सीधे लिए चलते हैं आपको दावोस, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्यमी, उद्योगपति और सीईओज, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस 48वीं वार्षिक बैठक में शामिल होते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। सबसे पहले मैं क्लॉड स्वाब को उनकी इस पहल पर और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एक सशक्त और व्यापक मंच बनाने पर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उनके विजन में एक महत्वाकांक्षी एजेंडा है जिसका उद्देश्य है दुनिया के हालात सुधारना। उन्होंने इस एजेंडा को आर्थिक और राजनीतिक चिंतन से बहुत मजबूती के साथ जोड़ा, साथ ही साथ हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए मैं स्विट्जरलैंड की सरकार, उसके नागरिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, दावोस में आखिरी बार भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा सन 1997 में हुई थी, जब श्री देवेगौड़ा जी यहां आए थे। 1997 में भारत का जीडीपी सिर्फ 400 बिलियन डॉलर से कुछ अधिक था। अब दो दशकों के बाद यह लगभग 6 गुना हो चुका है। उस वर्ष इस फोरम का विषय था बिल्डिंग द नेटवर्क सोसाइटी। आज 21 साल बाद टेक्नोलॉजी और डिजिटल एज की उपलब्धियां और प्राथमिकताओं को देखें तो 1997 वाला वो विषय ऐसा लगता है सदियों पुराना कोई युग की चर्चा थी। आज हम सिर्फ नेटवर्क सोसाइटी नहीं बल्कि बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोबोट की दुनिया में जी रहे हैं। 1997 में यूरो मुद्रा प्रचलित नहीं थी और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का कोई अतापता नहीं था और न ही ब्रेक्सिट के आसार थे। 1997 में बहुत कम लोगों ने ओसामा बिन लादेन के बारे में सुना था और हैरी पॉटर का नाम भी अनजाना था। वो एक समय था तब शतरंज के खिलाड़ियों को कंप्यूटर से हारने का गंभीर खतरा भी नहीं था। तब साइबर स्पेस में गूगल का अवतार नहीं हुआ था और यदि 1997 में आप इंटरनेट पर अमेजॉन शब्द ढूंढते तो आपको नदियां और घने जंगलों के बारे में सूचना मिलती। उस जमाने में ट्वीट करना चिड़ियों का काम था, मनुष्य का नहीं था। वह पिछली शताब्दी थी। आज दो दशकों के बाद
हमारा विश्व और हमारे समाज बहुत ही जटिल नेटवर्क के नेटवर्क है। उस जमाने में भी दावोस अपने समय से आगे था और यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भविष्य का परिचायक था। आज भी दावोस अपने समय से आगे है। इस वर्ष फोरम का विषय क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड है, यानी दरारों से भरे विश्व में साझा भविष्य का निर्माण। नए नए बदलावों से, नई नई शक्तियों से आर्थिक क्षमता और राजनीतिक शक्ति का संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा है। इससे विश्व के स्वरूप में दूरगामी परिवर्तनों की छवि दिखाई दे रही है। विश्व के सामने शांति, स्थिरता, सुरक्षा ऐसे विषयों को लेकर नई और गंभीर चुनौतियां हम अनुभव कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे रहने, हमारे काम करने के व्यवहार, बातचीत और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय समूहों और राजनीति तथा अर्थव्यवस्था तक को ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया ने प्रभावित कर दिया है। टेक्नोलॉजी के जोड़ने, मोड़ने, तोड़ने और मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, जोड़ने, मोड़ने और तोड़ने तीनों आयामों का एक बड़ा उदाहरण सोशल मीडिया के प्रयोग में देखने को मिलता है। आज डेटा ये बहुत बड़ी संपदा है। डेटा के ग्लोबल फ्लो से सबसे बड़े अवसर बन रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौतियां भी। डेटा के पहाड़ बनते जा रहे हैं, उन पर नियंत्रण की दौड़ लगी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो डेटा को काबू में रखेगा वही भविष्य पर अपना वर्चस्व बनाएगा। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी और न्यूक्लियर सेफ्टी के क्षेत्रों में भी तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी और विनाशकारी शक्तियों के विस्तार से पहले से चली आ रही चुनौतियां और भी गंभीर होती जा रही है। विज्ञान, तकनीक और आर्थिक प्रगति के नए आयामों में एक और तो मानव के समृद्धि के नए रास्ते दिखाने की क्षमता, वहीं दूसरी ओर इन परिवर्तनों से ऐसी दरारें भी पैदा हुई हैं जो दर्द भरी चोटें पहुंचा सकती है। बहुत से बदलाव ऐसी दीवारें खड़ी कर रहे हैं जिन्होंने पूरी मानवता के लिए शांति और समृद्धि के रास्ते को दुर्गम ही नहीं दुसाध्य बना दिया है। ये फ्रैक्चर्स, ये डिवाइड्स, ये बैरियर्स विकास के अभाव की ही, गरीबी की ही, बेरोजगारी की ही, अस्वर अवसरों के अभाव और प्राकृतिक तथा तकनीकी संसाधनों पर आधिपत्य की है। इस परिवेश में हमारे सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं
जो मानवता के भविष्य और भावी पीढ़ियों की विरासत के लिए समुचित जवाब मांगते हैं। क्या हमारी विश्व व्यवस्था इन दरारों को और दूरियों को बढ़ावा तो नहीं दे रही है? ये कौन सी शक्ति यहां है जो सामंजस्य के ऊपर अलगाव को तरजीह देती है, जो सहयोग के ऊपर संघर्ष को हावी करती है? और हमारे पास वो कौन से साधन हैं, वे कौन से रास्ते हैं जिनके जरिए हम इन दरारों और दुनिया को मिटाकर दरारों और दूरियों को मिटाकर एक सुहाने और साझा भविष्य के सपने को साकार कर सकते हैं? फ्रेंड्स, भारत, भारतीयता और भारतीय विरासत का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे लिए इस फोरम का विषय जितना समकालीन है उतना ही समयातीत भी है। समयातीत इसलिए क्योंकि भारत में अनादि काल से हम मानव मात्र को जोड़ने में विश्वास करते आए हैं, उसे तोड़ने में नहीं, उसे बांटने में नहीं। हजारों साल पहले संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों में भारतीय चिंतकों ने जो कहा है और जिसका उल्लेख अभी प्रोफेसर स्वाब ने अपने भाषण में किया, और वो है, भारतीय चिंतकों ने कहा है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। तत्वतः हम सब एक परिवार की तरह बंधे हुए हैं। हमारी नियतियों में एक साझा सूत्र हमें जोड़ती है। निश्चित तौर पर आज दरारों और दूरियों को मिटाने के लिए और भी ज्यादा सार्थक है, रिलेवेंट है, लेकिन आज एक गंभीर बात यह है कि इस काल की विकट चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे बीच सहमति का अभाव है। परिवार में भी जहां एक और सौहार्द और सहयोग होता है, वहीं कुछ न कुछ मनमुटाव, मतभेद होते रहते हैं, लेकिन परिवार का प्राण, उसकी प्रेरणा यही भावना होती है कि जब साझा चुनौतियां सामने आए तो सब लोग एकजुट होकर के उनका सामना करते हैं और एकजुट होकर उपलब्धियों और आनंद के हिस्सेदार बनते हैं। परंतु चिंता का विषय है कि हमारे विभाजनों ने, दरारों ने इन चुनौतियों के खिलाफ मानव जाति के संघर्ष को और भी कठिन और भी कठोर बना दिया है। फ्रेंड्स, जिन चुनौतियों की ओर मैं इशारा कर रहा हूं उनकी संख्या भी बहुत है और विस्तार भी बहुत व्यापक है, लेकिन मैं यहां समय की सीमा को देखते हुए
सिर्फ तीन प्रमुख चुनौतियों का जिक्र करना चाहता हूं जो मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़े खतरे पैदा कर रही है। पहला खतरा है क्लाइमेट चेंज का। ग्लेशियर्स पीछे हटते जा रहे हैं, आर्कटिक की बर्फ पिघलती जा रही है, बहुत से द्वीप डूब रहे हैं या डूबने के कगार पर है, बहुत गर्मी और बहुत ठंड, बेहद बारिश और बाढ़ या बहुत सूखा, एक्सट्रीम वेदर का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ रहा है। कल भी आदरणीय राष्ट्रपति जी मुझे कह रहे थे कि इस समय जो बर्फ वर्षा है ये पिछले 20 साल में देखी नहीं गई है। इन हालात में होना तो चाहिए था कि हम अपने सीमित संकुचित दायरों से निकलकर एकजुट हो जाते हैं, लेकिन हम ईमानदारी से अपने आप को पूछें, क्या ऐसा हुआ है क्या? और अगर नहीं तो क्यों? और हम क्या कर सकते हैं, मिलकर के क्या कर सकते हैं जो इन हालात में सुधार हो? हर कोई कहता है कि कार्बन एमिशन को कम करना चाहिए, लेकिन ऐसे कितने देश या लोग हैं जो विकासशील देशों और समाजों को उपयुक्त टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराने में मदद करने के लिए आगे आते हैं? आपने अनेक बार सुना होगा भारतीय परंपरा में प्रकृति के साथ गहरे तालमेल के बारे में। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार बार बार इस बात को दोहराते हैं। हजारों साल पहले, और मैं आजकल की बात नहीं कर, हजारों साल पहले भारत में हमारे शास्त्रों में मानव मात्र को पहचान क्या बताई गई? भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्व्या, भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्व्या, यानी वी द ह्यूमन आर चिल्ड्रन ऑफ मदर अर्थ। यदि हम पृथ्वी का संतान है तो आज मानव और प्रकृति के बीच ये जंग क्यों चल रही है? हजारों साल पहले भारत में लिखे गए सबसे प्रमुख उपनिषद ईशोपनिषद की शुरुआत में ही तत्वदृष्टा हमारे ऋषियों ने अपने शिष्यों से परिवर्तनशील जगत की चर्चा करते हुए कहा था और सूत्र दिया था, तेन तक्तेन भुंजी था मां ग्रदह कस स्विद्धनम, यानी संसार में रहते हुए उसका त्याग पूर्वक भोग करो और किसी दूसरे की संपत्ति का लालच मत करो। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने अपरिग्रह यानी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल को अपने सिद्धांतों में प्रमुख स्थान दिया। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी आवश्यकता यानी नीड के अनुसार उपयोग और उपभोग करने के पक्ष में था। ग्रीड पर आधारित शोषण का उन्होंने सीधा विरोध किया था। सोचने का विषय है कि त्याग पूर्वक भोग से आवश्यकता अनुसार उपभोग करते हुए अब हम
लालच के वश डिटोरिएट होते 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 अपने सुखों के लिए प्रकृति के शोषण तक पहुंच गए हैं। हमें अपने आप को पूछना होगा कि क्या यह हमारा विकास हुआ है या हमारा पतन हुआ है। हमारे दिमाग की ये दुरावस्था, हमारे स्वार्थ की खौफनाक झलक हमें क्यों आत्मचिंतन पर मजबूर नहीं करती? अगर हम सोचें तो पाएंगे कि आज पर्यावरण में व्याप्त भयंकर कुपरिणामों के इलाज का एक अचूक नुस्खा है प्राचीन भारतीय दर्शन का, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य। यही नहीं, इसी दर्शन से जन्मी योग और आयुर्वेद जैसी भारतीय परंपराओं की समग्र पद्धति ने न सिर्फ परिवेश और हमारे बीच के फ्रैक्चर को हील कर सकती है, लेकिन हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य और संतुलन भी प्रदान करती है। वातावरण को बचाने और क्लाइमेट चेंज का प्रतिकार करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान, एक बहुत बड़ा लक्ष्य भारत सरकार ने देश के सामने रखा है। सन 2022 तक हमें भारत में 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है भारत जैसे देश के लिए। पिछले करीब 3 वर्षों में 60 गीगावाट यानी इस लक्ष्य का 1/3 से भी अधिक हम प्राप्त कर चुके हैं। 2016 में भारत और फ्रांस ने मिलकर एक नए अंतर्राष्ट्रीय टीटी बेज ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना की। यह क्रांतिकारी कदम अब एक सफल प्रयोग में बदल गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में यह पहल आवश्यक ट्रीटी रेटिफिकेशन के बाद अब एक वास्तविकता है। मुझे बेहद खुशी है कि इस वर्ष मार्च में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और मेरे संयुक्त निमंत्रण पर इस अलायंस के सदस्य देशों के लीडर्स नई दिल्ली में होने वाले अलायंस के पहले समिट में भाग लेंगे। फ्रेंड्स, दूसरी बड़ी चुनौती है आतंकवाद। इस संबंध में भारत की चिंताओं और विश्व भर में पूरी मानवता के लिए इस गंभीर खतरे के बढ़ते और बदलते हुए स्वरूप से आप सब भली भांति परिचित हैं। दुनिया की सब सरकारें परिचित हैं और इसलिए मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता और न ही मैं इस विषय पर आपके समय लेना चाहता। मैं सिर्फ इसको बहुत कट शॉर्ट करते हुए सिर्फ 2 आयामों पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आतंकवाद जितना खतरनाक है उससे भी खतरनाक है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच बनाया गया आर्टिफिशियल भेद। दूसरा, समकालीन गंभीर पहलू जिस पर मैं आपका ध्यान चाहता हूं वह है पढ़े लिखे संपन्न युवाओं का रेडिकलाइज होकर आतंकवाद में लिप्त होना। मुझे आशा है इस फोरम में आतंकवाद और हिंसा की दरारों से, इनके द्वारा उत्पन्न फ्रैक्चर से हमारे सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों पर और उनके समाधान पर शायद हर वक्ता कुछ न कुछ कहेगा और इसमें ज्यादा आगे बढ़ाता नहीं हूं। फ्रेंड्स, तीसरी चुनौती है
और मैं ये तीसरी चुनौती देखता हूं कि बहुत से समाज और देश ज्यादा से ज्यादा आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। ऐसा है कि ग्लोबलाइजेशन अपने नाम के विपरीत सिकुड़ता चला जा रहा है। इस प्रकार की मनोवृत्तियां और गलत प्राथमिकताओं के दुष्परिणाम को क्लाइमेट चेंज या आतंकवाद के खतरे से हम कम नहीं आंक सकते। हालांकि हर कोई इंटरकनेक्टेड विश्व की बात करता है, लेकिन हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि ग्लोबलाइजेशन की चमक धीरे धीरे कम होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्श अभी भी सर्वमान्य है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी व्यापक है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने हुए विश्व संगठनों की संरचना, व्यवस्था और उनकी कार्यपद्धति क्या आज के मानव की आकांक्षाओं और उसके सपनों को, आज की वास्तविकता को परिलक्षित करते हैं क्या? इन संस्थानों की पुरानी व्यवस्था और आज के विश्व में खास तौर पर बहुतायत विकासमान देशों की आवश्यकताओं के बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। ग्लोबलाइजेशन के विपरीत प्रोटेक्शनिज्म और उसकी ताकतें सर उठाती जा रही है। उनकी मंशा है कि न सिर्फ वे खुद ग्लोबलाइजेशन से बचे, बल्कि ग्लोबलाइजेशन के प्राकृतिक प्रवाह का रुख भी पलट दे। इसका एक परिणाम यह है कि नए नए प्रकार के टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स देखने को मिल रहे हैं। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौते और नेगोशिएशंस एक प्रकार से रुक से गए हैं। क्रॉस बॉर्डर वित्तीय निवेश में ज्यादातर देशों में कमी आई है और ग्लोबल सप्लाई चेन की वृद्धि भी रुकी हुई नजर आती है। ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध इस चिंताजनक स्थिति का हल अलगाव में नहीं है। इसका समाधान परिवर्तन को समझने और उसको स्वीकारने में है। बदलते हुए समय के साथ चुस्त और लचीली नीतियों का स्वीकार करने में है, बनाने में है। भारत के राष्ट्रपिता पूज्य बापू महात्मा गांधी ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की दीवारें और खिड़कियां सभी तरह से बंद हो, मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर में पूरी स्वच्छंदता से आ सके, जा सके, लेकिन इस हवा से मेरे पैर उखड़ जाएं यह मुझे मंजूर नहीं होगा। आज का भारत महात्मा गांधी के इसी दर्शन और चिंतन को अपनाते हुए पूरे आत्मविश्वास और निर्भीकता के साथ विश्व भर से जीवनदायिनी तरंगों का स्वागत कर रहा है। फ्रेंड्स, भारत का लोकतंत्र, देश की स्थिरता, निश्चितता और सतत विकास का मूल आधार है। धर्म, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, खानपान की अपार विविधता से भरे भारत के लिए
लोकतंत्र महज एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, जीवन शैली है। हम भारतीय यह बड़ी भांति जानते हैं और समझते हैं कि विविधता की अनेकता को सौहार्द, सहयोग और संकल्प की एकता में बदलने के लिए लोकतांत्रिक परिवेश और स्वतंत्रताओं का महत्व कितना बड़ा होता है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ हमारी विविधता का ही पालन पोषण नहीं करता बल्कि 125 करोड़ से भी अधिक भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनके समुचित विकास के लिए आवश्यक परिवेश, रोडमैप और टेम्पलेट भी प्रदान करता है। लोकतांत्रिक मूल्य और समावेशी आर्थिक विकास और प्रगति में तमाम दरारों को पाटने की संजीवनी शक्ति होती है। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। हमने किसी एक वर्ग या कुछ लोगों के सीमित विकास का नहीं बल्कि सबके विकास का संकल्प किया और मेरी सरकार का मोटो है सबका साथ सबका विकास। प्रगति के लिए हमारा विजन समावेशी है, हमारा मिशन भी समावेशी है। यह समावेशी दर्शन मेरी सरकार की हर नीति का, हर योजना का आधार है। चाहे वह करोड़ों लोगों के लिए पहली बार बैंक खाते खुला के फाइनेंशियल इंक्लूजन करना हो या गरीबों तक, हर जरूरतमंद तक डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने वाली बात हो या फिर जेंडर जस्टिस के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, हम मानते हैं कि प्रगति तभी प्रगति है, विकास तभी सच्चे अर्थों में विकास है जब साथ चलें, सबको लेकर के चलें, सबके लिए चलें। हम अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों में केवल छोटे मोटे सुधार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आमूलचूल रूपांतरण कर रहे हैं। हमने जो रास्ता चुना है वो रास्ता है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से निवेश के लिए सुगम बना रहे हैं उसका कोई सानी नहीं है। इसी का नतीजा है कि आज भारत में निवेश करना, भारत की यात्रा करना, भारत में काम करना, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना और भारत से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को दुनिया भर को एक्सपोर्ट करना, सभी कुछ पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया। हमने लाइसेंस परमिट राज को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया है। रेड टैप हटाकर हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खुल गए हैं। 90% से अधिक में ऑटोमेटिक रूट से निवेश संभव है। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने मिलकर
सैकड़ों रिफॉर्म्स किए हैं, 1400 से अधिक ऐसे पुराने कानून जो बिजनेस में, प्रशासन में और आम इंसान के रोजमर्रा के जीवन में अड़चन डाल रहे थे, ऐसे पुराने कानूनों को 3 साल के भीतर भीतर 1400 कानून खत्म करने के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में कितनी बड़ी ताकत लगती है, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। 17 साल के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश में एकीकृत कर व्यवस्था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के रूप में लागू कर ली गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भरसक इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे संकल्प और हमारे प्रयासों का विश्व भर की बिजनेस कम्युनिटी ने स्वागत किया है। भारत में डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डायनेमिज्म मिलकर डेवलपमेंट को साकार कर रहे हैं, डेस्टिनी को आकार दे रहे हैं। दशकों के नियंत्रण ने भारत के लोगों की, भारत के युवा की क्षमताओं को जकड़ रखा था, लेकिन अब हमारी सरकार के निर्भीक नीतिगत फैसलों ने, असरदार कदमों ने परिस्थितियों में आमूलचूल बदलाव लाया है। लगभग 3.5 साल के कम समय में जो दूरगामी और बड़े परिवर्तन भारत में हुए हैं और हो रहे हैं, वे 125 करोड़ भारतीयों की अपेक्षाओं, उनके पुरुषार्थ और उनकी परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता का यशोगान है, और वो गीत गाने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। अब भारत के लोग, भारत के युवा 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। यही नहीं, जब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए वे जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनेंगे, तो उनके लिए, उनके देश के लिए और आपके व्यवसाय के लिए कितने रास्ते खुलेंगे, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। आप सभी विश्व के प्रमुख लीडर्स और विश्व में हो रहे परिवर्तनों से भारत की रैंकिंग और रेटिंग में हुए सुधार से और आगे के लिए जो रास्ते हमने चुना है, इन सब से आप लोग भली भांति परिचित हैं। लेकिन इन सभी आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारत के लोगों ने हमारी नीतियों का, अपनी भविष्य में बदलाव किए लिए हुई नई नई पहलों और अच्छे भविष्य के सुनहरे संकेतों का भरपूर स्वागत किया है। स्वेच्छा से सब्सिडी का त्याग या फिर चुनाव दर चुनाव लोकतांत्रिक तरीकों से हमारी नीतियों और सुधारों में अपना विश्वास व्यक्त करना हो, ऐसे अनेक प्रमाण भारत में इन अभूतपूर्व परिवर्तनों के व्यापक समर्थन की पुष्टि करते हैं। फ्रेंड्स, विश्व में तमाम तरह के फ्रैक्चर और तमाम तरह की दरारों को देखते हुए यह आवश्यक है कि हमारे साझा भविष्य के लिए हम कई दिशाओं पर ध्यान दें। सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि विश्व की बड़ी ताकतों के बीच सहयोग के संबंध हो। यह आवश्यक है कि विश्व के प्रमुख देशों के बीच
प्रतिस्पर्धा उनके बीच एक दीवार बन करके न खड़ी हो जाए। साझा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें अपने मतभेदों को दरकिनार करके एक लार्जर विजन के तहत साथ मिलकर के काम करना ही होगा। दूसरी आवश्यकता है कि नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का पालन करना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है, खासतौर पर जब हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां हमारे चारों ओर होने वाले बदलाव अनिश्चितताओं को जन्म दे सकते हैं। तब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का सही स्पिरिट में पालन जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा से संबंधित संस्थानों में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। उनमें सहभागिता और लोकतांत्रिकरण को आज की परिस्थिति के अनुरूप बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्व की आर्थिक प्रगति में और तेजी लानी होगी। इस बारे में विश्व में आर्थिक वृद्धि के लिए हाल के संकेत उत्साहजनक है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल रिवॉल्यूशन ऐसे नए समाधानों की संभावना बढ़ाते हैं जिनसे हम गरीबी और बेरोजगारी जैसी पुरानी समस्याओं और चुनौतियों का नए सिरे से मुकाबला कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रयासों में भारत ने हमेशा सहायता का हाथ आगे बढ़ाया है। आज से ही नहीं, अपनी स्वतंत्रता के समय से ही नहीं, लेकिन पुरातन काल से भारत चुनौतियों का मुकाबला करने में सबके साथ सहयोग का हामी रहा है। पिछली शताब्दी में जब विश्व दो विश्व युद्धों के संकट से गुजरा तब अपना कोई निजी स्वार्थ न होते हुए भी, कोई आर्थिक या टेरिटोरियल हित न होते हुए भी भारत शांति और मानवता के उच्च आदर्शों की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ। 1.5 लाख से भी अधिक भारतीय सैनिकों ने अपनी जान न्योछावर कर दी। ये वही आदर्श हैं जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद भारत ने यूएन पीसकीपिंग ऑपरेशंस में सैनिकों का सबसे बड़ी संख्या में योगदान किया है। ये वही आदर्श हैं जिनकी प्रेरणा और शक्ति हमें संकटों और प्राकृतिक आपदाओं के समय अपने पड़ोसियों, मित्र देशों और मानव मात्र की सहायता करने के लिए उत्साहित करती है। चाहे नेपाल में भूकंप हो या हमारी दूसरे पड़ोसी या मित्र देशों में बाढ़ हो, तूफान या दूसरी प्राकृतिक आपदा, इन सब में भारत ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सहायता पहुंचाना अपना सबसे प्रमुख कर्तव्य समझा है। यमन में जब हिंसा की लपटों ने भारत ही नहीं दुनिया के बहुत से देश के नागरिकों को चपेट में लिया तो हमने अपने संसाधनों के जरिए सिर्फ भारतीयों को ही नहीं अन्य देशों के लगभग 2000 नागरिकों को भी
यमन में से सुरक्षित बाहर निकाला। स्वयं एक विकासशील देश होने के बावजूद भारत डेवलपमेंट कोऑपरेशन में, कैपेसिटी बिल्डिंग में आगे बढ़कर के सहयोग कर रहा है। अफ्रीका के देश हो या भारत के पड़ोसी हो या साउथ ईस्ट एशिया के देश हो या पैसिफिक आइलैंड हो, सभी के साथ हमारे सहयोग की रूपरेखा और हमारे प्रोजेक्ट्स उन देशों की प्राथमिकताओं और जरूरतों के ऊपर आधारित होते हैं। फ्रेंड्स, भारत ने कोई राजनीतिक या भौगोलिक महत्वाकांक्षा नहीं रखी है। हम किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं करते, बल्कि उस देश के लिए उसके साथ मिलकर उनकी प्रायोरिटी के अनुसार उनका विकास करते हैं। भारतीय भूभाग में हजारों साल से विविधता के सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व का सीधा नतीजा यह है कि हम मल्टी कल्चरल संसार में, मल्टी पोलर विश्व व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र, विविधता का सम्मान, सौहार्द और समन्वय, सहयोग और संवाद से सभी विवादों और दरारों को मिटाया जा सकता है। शांति, स्थिरता और विकास के लिए यह भारत का जांचा हुआ, परखा हुआ नुस्खा है। यही नहीं, आप प्रिडिक्टेबल, स्टेबल, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द गुड न्यूज इन एन अदरवाइज स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फ्लक्स। एन इंडिया वेर इनॉर्मस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट हार्मोनियसली विल ऑलवेज बी यूनिफाइंग एंड हार्मोनाइजिंग फोर्स। अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए ही नहीं, भारतीय मानस ने, भारत के चिंतकों ने, ऋषि मुनियों ने प्राचीन से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी